तो गाइस ये जो आप भीड़ देख रहे हो ये इस्कॉन टेंपल के पास नहीं है, ये प्रेम मंदिर के सामने का भीड़ है। राधे राधे दोस्तों, अभी मैं वृंदावन के गलियों में घूम रहे हैं और आप सबको लेकर चल रहे हैं प्रेम मंदिर, आप सबको दर्शन करवाने के लिए। वैसे वृंदावन में तो बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन प्रेम मंदिर का कुछ अलग ही नज़ारा आपको मैं दिखाने वाला हूं। हालांकि आपने ऑलरेडी देखा भी होगा, बट मैं अपने हिसाब से दिखाऊँगा आप सबको और मैं भी देखूँगा। अभी शाम के टाइम है, करीब 6 बजने वाले हैं और इस टाइम का जो नज़ारा होता है प्रेम मंदिर का, वो तो देखने लायक होता ही होता है। लेकिन जब रात होती है और उस पर जब लाइटिंग होती है तो उस टाइम का नज़ारा और भी अलग लेवल की होती है। पास में ही प्रेम मंदिर है और मैं इसके पास में ही ठहरा हुआ हूँ वृंदावन में। तो चलिए मिलते हैं डायरेक्ट प्रेम मंदिर पे। तो गाइस ये जो आप भीड़ देख रहे हो ये इस्कॉन टेंपल के पास नहीं है, ये प्रेम मंदिर के सामने का भीड़ है। और आज के डेट में भीड़ देखिए कितनी ज़्यादा है यहाँ पे। तो चलिए मैं आप सबको अंदर लेकर चलता हूँ, भीड़ तो काफ़ी ज़्यादा है बट कोई नहीं, आप सबको हम घुमाते हैं अंदर। ये बाहर निकलने का गेट है और आगे से जो है वो एंट्री गेट है। चप्पल जूता आपको सब बाहर ही रख के जाना पड़ेगा। आज भीड़ देख के मेरा दिमाग हिल गया। तो गाय अंदर तो आ गए, लेकिन अंदर के भीड़ में आप सबको दिखाता हूँ। ये देखिए, देखा आपने फिर सामने जो है वो प्रेम मंदिर का नज़ारा आपको इवनिंग के टाइम पे यानी सनसेट वाली व्यू में दिख रहा होगा। लेकिन मंदिर से ज़्यादा जो यहाँ पे लोग आए हुए हैं, मैं वो देख के शौक हूँ। ये देखो, और आसपास के जो मंदिर की झांकियाँ हैं वो मैं आप सबको दिखाता हूँ। ये देखिए कृष्ण जी जो है वो शेषनाग के ऊपर तांडव कर रहे हैं। गाइस ये जो आप नज़ारा देख रहे हो, ये प्रेम मंदिर का जो एंट्रेंस गेट है उसके आसपास की झांकियां आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएंगी। Thank you.
गाइस प्रेम मंदिर में शाम को भीड़ ज़्यादा होने का एक और कारण है क्योंकि यहाँ पर लेजर लाइट वाली जो शो होती है वो देखने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं जो कि हर मंदिरों में नहीं होती है। तो जो शाम वाली लेजर लाइट वाली शो है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो आप मंदिर देख रहे हो अभी नॉर्मल, जब लाइटिंग इस पर होगी इवनिंग के टाइम पर तो वो नज़ारा जो है वो अलग लेवल के आपको दिखेगी। तो उसको देखने के लिए भी बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं। और इस वक्त अभी वृंदावन में होली का सीज़न चल रहा है जिसके वजह से भी इतने सारे लोग यहाँ पे श्रद्धालु जो हैं वो आए हुए हैं। मंदिर के अंदर जो है वो राधे कृष्ण जी का मूर्ति स्थापित है, तो अगर अंदर वीडियोग्राफी अलाउ रहा तो मैं दिखाऊँगा। वैसे उम्मीद कम है क्योंकि कृपालु जी महाराज के जितने भी मंदिर हैं अंदर वीडियोग्राफी बिल्कुल अलाउ नहीं होती है। तो गाइस ये देखिए कान्हा जो है वो गैया को चढ़ा रहे हैं और उसके जो झांकी है वो कुछ इस तरीके से इस मंदिर के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। अपने गोपियों के संग जो है वो गैया चढ़ा रहे हैं, ये देखिए। और सामने उस साइड में फाउंटेन जो है वो स्टार्ट हो चुका है तो उस पर भी लेजर लाइट होती है, वो भी मैं आप सबको दिखाऊंगा। गाइस ये मंदिर के पूरा दीवारों पे देखे किस तरीके से प्रतिमाएं जो है वो लगाए गए हैं अलग अलग। ये देखिए गाइस सामने गोवर्धन पर्वत जो है वो कृष्ण जी उठाए हुए हैं। उस टाइम पे बहुत बारिश हुई थी और पूरे गांव जो है वो डूब गया था, तभी ये जो गोवर्धन पर्वत है वो उस टाइम पे उठाया था और जितने भी गांव के लोग थे वो इसी पहाड़ के नीचे आए हुए थे। ये देखिए गाइस ये देखिए यही प्रेम मंदिर है और इस वक्त जो है वो संध्या का समय है और लोगों की भीड़ आप देख सकते हो। अभी कुछ ही क्षणों में जो है वो यहाँ पे लाइटिंग शो भी होने वाला है तो उस टाइम का जो नज़ारा है वो और भी अद्भुत आपको देखने को मिल जाएगा। हालांकि मैं सबसे ज़्यादा अगर अचंभित हूँ तो इस भीड़ को देखकर, हालांकि शाम के टाइम पे घूमने वाली एक नंबर जगह है ये। अभी मंदिर के अंदर भी चलेंगे और प्रभु जी का दर्शन भी करेंगे और आप सबको भी दर्शन करवाएंगे। गाइस ये जो आपको सामने जगत गुरु कृपालु जी महाराज दिख रहे हैं, इन्होंने ही इस मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर की अगर बात करें नींव की तो 2001 ईस्वी में नींव रखी गई थी और 12 साल बनने में टाइम लगे थे, जिसमें 1000 शिल्पकारों ने इस मंदिर में काम किया था।
तो गाइस अभी जो मेरे पीछे देख रहे हो ये मंदिर के अंदर ही आपको कैंटीन मिल जाएगा, जहाँ पे आप आराम कर सकते हो, आराम से वहाँ पे बैठकर खा पी सकते हो। तो मैं आप सबको लेकर चलता हूँ इस मंदिर के अंदर जो कैंटीन बना हुआ है सामने, वो कैंटीन के अंदर लेकर चलूंगा और आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके का अंदर कैंटीन है। तो गाइस मंदिर का जो टाइमिंग है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए बोर्ड, आप पॉज करके पढ़ सकते हो कितने बजे का टाइमिंग, कौन से समय में जो है वो खुलता है, कौन से समय में आरती होती है, वो सारे चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना। जिसमें लाइटिंग के बाद जो मंदिर का नज़ारा है वो बिल्कुल अलग ही दिखता है। देखिए अभी लाइटिंग शुरू हो चुकी है और कुछ इस तरीके का नज़ारा आपको देखने को मिल जाएगा। ठाकुर जी के दर्शन हो गए, आप सबने भी दर्शन किया होगा। गाइस बहुत ही प्यारा मंदिर है, अगर आप आते हो यहाँ पे तो दर्शन करने जरूर आए, बहुत मजा आने वाला है। ये देखिए गाइस यहाँ पे
गाइस ये जो नज़ारा आप देख रहे हो लठमार होली की है, जो नंदगांव और बरसाना में खेली जाती है। तो गाइस आज मंदिर पूरा प्रेम मंदिर घूम लिया हमने, आप सबको भी घुमा दिया, दिन का जो सब शाम का टाइम था वो भी दिखाया और लाइटिंग के बाद जो नज़ारा था वो भी दिखाया। काफ़ी मज़ा आया मंदिर घूमकर, ठाकुर जी का और राधे रानी का दर्शन करके भी बहुत मज़ा आया। बट भीड़ आप देख सकते हो, भीड़ बहुत ज़्यादा है। तो होली के टाइम पे थोड़ा सा स्लो समझ के आना, अगर प्रॉपर होली खेलने के लिए आ रहे हो तो ठीक है, लेकिन अगर प्रभु के दर्शन के लिए आ रहे हो तो होली के बाद ही आप लोग आए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा।